नमस्कार साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज आपके लिए लाया है सरकार द्वारा परोसा जाने वाला सबसे बड़ा व्यवसाय, जिसे सरकार अरबों खरबों की आमदनी करती है, यानी इस आमदनी से लोगों की जान भी जाती है और रिस्क बना बराबर बना रहता है, एक्सीडेंट आप तरह तरह के देखते रहते हैं। तो हम लेके आए हैं आज इस विषय पर चर्चा, क्योंकि ये चर्चा हमारे समाज में बहुत जरूरी है कि सरकार किस तरह से हम लोगों को गुमराह करके करोड़ों अरबों की आमदनी करती है और हमारे ऊपर उस आमदनी का एक हिस्सा भी खर्चा नहीं करती। तो आइयो साथियों, आज बात करते हैं हम शराब की। शराब सरकार किस कदर से आज हमारे समाज में परोस रही है और उसको इस परोसने की जो तरीके हैं वो आप सभी से छिपे नहीं हुए हैं। कहती है, एक तरफ कहती है सरकार कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, और आप देखिए यही नहीं, जब आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान भी करती है। लेकिन आप यहां पे गौर करिएगा, जितने भी बार खुले हुए हैं, शराब बार खुले हुए हैं, उन बारों में बैठकर पीने पिलाने का इंतजाम बहुत ही बेहतरीन ढंग से परोसा जाता है। और वहां पर आप देखते हैं कि जितनी भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पुलिस विभाग प्रशासन को यह मालूम रहता है कि अंदर बैठे ये व्यक्ति पी रहे हैं और वो अपनी गाड़ी से ही अपने घर जाएंगे। ये सरकार को पूरी तरह से पता है। जब ये बात सरकार को पूरी तरह से पता है तो आखिर इस कानून का क्या महत्व तो बनता है कि गाड़ी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, जब सरकार खुद जानती है उसने पीने की जगह निर्धारित कर रखी है और वो जो जगह पीने की निर्धारित कर रखी है तो आखिर क्यों उसने इस कानून को बनाया। तो सरकार किस कदर आपकी हत्या की सुपारी इन शराब बेचने वालों को और शराब का व्यवसाय करने वालों को अप्रत्यक्ष रूप से देती है, जबकि यही व्यवसाय आप स्वयं करेंगे, यानी आप अपनी शराब बना लें और सरकार से परमिशन ना लें तो सरकार आपको जेल में डाल देगी। लेकिन सरकार वही काम सरकार खुद करेगी और वह उसका लाइसेंस देगी। आप बनाओगे तो खतरनाक, और सरकार बनाएगी तो वह जनहित में बन रहा है। क्या यह सरकार का दोगलापन क्यों? आखिर इसके विषय में कौन बोलेगा, कौन चर्चा करेगा? आज जितने भी एक्सीडेंट के मामले आप उठा के देख लीजिए, वो एक्सीडेंट के मामले अधिकतर शराब पीकर गाड़ी चलाने से ही होते हैं। अब अधिकतर घरेलू हिंसा के मामले, जो महिलाओं पर आधी आबादी पर अत्याचार होता है, उस आधी आबादी पर अत्याचार अगर अखबार उठा के देख लीजिए या जिस पे जांच करवा लीजिए तो ये अत्याचार नशे की हालत में होते हैं। अब जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, ये हर व्यक्ति की पहचान सरकार को है, क्योंकि वह हर कैमरे जो लगे हुए हैं मदिरालय या शराब के, वहां पे वो डाटा सेव है, वो खरीद रहे हैं, वो बैठे अंदर पी रहे हैं और वहां पे परोसा जा रहा है शराब का कारोबार, और वहां से निकलने के बाद वो व्यक्ति घर जा रहा है, ये भी सरकार को पता है। आखिर जब ये सारी चीजें पता है तो ये कानून क्यों? शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, नहीं तो आपकी खैर, और 10,000 का जुर्माना, आखिर ये क्यों? ये आपके साथ बहुत बड़ा अत्याचार, यानी आपको आजाद भी छोड़ दिया और आप आजाद हुए तो आपको फंदा भी डालेंगे। ये तो ये कैसी आजादी, कैसा फंदा, आइए हम बात करते हैं इस पे, क्योंकि ये बहुत जरूरी विषय है, ये हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग है। यानी आप शराब बनाओगे, आप बेचोगे तो दोष है, सरकार करेगी दोष नहीं है। और दूसरी तरफ सरकार का दोगलापन तो देखिए कैसा दोगलापन आपके साथ करती है सरकार। एक तरफ आबकारी विभाग बनाया हुआ है, शराब बेचने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद देखिए मद्य निषेध विभाग बनाया हुआ है, और जब आप
शराब बेचने का लाइसेंस दे रहे हैं तो मद्य निषेध विभाग बनाया क्यों? आखिर मद्य निषेध विभाग बनाने का कारण क्या है? सरकार से कोई सवाल नहीं करता, एक तरफ खरबों रुपए खर्चा करती है कि शराब नहीं पीना, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाती है, बड़े बड़े बैनर लगाती है, और दूसरी तरफ कहती है कि आप शराब पिए सरकारी दुकान से खरीद कर, यानी आप मौत को दावत दें सरकार की सहमति से, आप अपराध को निमंत्रण दें सरकार की सहमति से, और सरकार खर्चा करेगी आपके ऊपर, बड़े बड़े बोर्ड लगाएगी, शराब जुर्म की मां है, लेकिन एक सरकार को पता है तो ये जानबूझकर सरकार अपराध क्यों करती है? जानबूझकर तो ये सोचने वाली बातें हैं कि हमें सरकार देती क्या है, खरबों रुपए इस शराब से कमाती है और हम पे खर्चा क्या करती है। मानिए चलिए ये आपका समाज का एक जरूरी अंग है, तो आप इस मद से आया हुआ धन आप विद्यालय या शिक्षा के लिए क्यों नहीं खर्चा करते हैं? जो वो गरीब बच्चे हैं उन गरीब बच्चों को आप शिक्षा देने का काम करिए, तो ये तो सरकार से नहीं होता। आज प्राइमरी का पूरा ढांचा देख लीजिए, ध्वस्त पड़ा है, शिक्षा बहुत बुरे स्तर पर पहुंच गई है। आइए सरकार के विषय में तो आपने देख लिया कि सरकार शराब किस कदर पहुंचती है और आपको किस तरह मौत के करीब ले जाती है। आइए अब बात करते हैं सिगरेट की। सिगरेट आप जब डब्बी लेते हैं तो उस सिगरेट की डब्बी के ऊपर उसके खतरनाक होने वाले रोगों के बारे में दर्शाया होता है कि कैंसर कितना भयंकर दिखाते हैं उसमें जो चित्र है। सरकार देखिए कितना दोगलापन करती है, सरकार आपको अप्रत्यक्ष रूप से मौत में डालती है और उस मौत से अपने आप बच भी जाती है। और वो बचती कैसे है? वो बचती ऐसे है कि जैसे आप देखिए इस वीडियो में, वो कैंसर भयंकर कैंसर होने का होता है, उस डब्बी के ऊपर छपा होता है और एक डब्बी में मेरे ख्याल से 10 या 12 सिगरेट होती हैं। तो जब 10 या 12 होती हैं, कोई व्यक्ति जब खरीदने जाता है, अगर एक सिगरेट खरीदता है या दो सिगरेट खरीदता है, तीन खरीदता है, तो उसे डब्बी नहीं मिलती। यानी उस पर खतरनाक जो चित्र बनाया गया है वो चित्र उस लेने वाले व्यक्ति को बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तो वह सिगरेट लेता है और आराम से पीता है। यानी उसे उस मौत के बारे में, उस बीमारी के बारे में जरा सी भनक नहीं लगती और जरा सी भी जानकारी नहीं लगती। तो उस व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है नशा, और खतरनाक नशे के बारे में जानकारी भी यदि किसी को करनी है, तो लखनऊ के जो सांसद हैं उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है इसी नशे के कारण। तो आप नशे के बारे में ये सामने देख रहे होंगे, ये जो सिगरेट की डब्बी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा स्मोकिंग किल्स, तो स्मोकिंग किल्स जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कितना खतरनाक है इसके बारे में आपको आपकी सरकार अवगत भी कराती है और इसके प्रति वो अवेयर भी नहीं है, ना ही इसकी जो खतरनाक स्थिति है उसके प्रति संजीदा है। यानी सरकार स्वयं जिम्मेदार है आपके परिवार में होने वाली मौतों की, आपके परिवार में होने वाले कैंसर की, क्योंकि कैंसर के लिए अभी तक कोई बहुत बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल का उपलब्धता नहीं की गई है। अरे भाई आप नशा परोस रहे हो तो उस नशे के से बचने के लिए आप कैंसर हॉस्पिटल कितने खोले? आप उससे कमाने की मंशा तो रखते हो, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति इतने संजीदा क्यों नहीं होते हो? तो सरकार से सवाल करेगा कौन, क्योंकि सरकार हमें ऐसे ऐसे मामलों में उलझा देती है और हम अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वयं संजीदा नहीं होते और इन नशों के लिए समाज उत्तरदायी हो जाता है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है कि हम नशा करें या ना करें? यह जिम्मेदारी होती है हमारे गार्जियन की, हमारे सरकार की, जिसे हमने चुना कि यह सरकार हमारे समाज के लिए हित का काम करेगी। तो गलत चीजें जैसे बड़े बड़े अपराधों के लिए कानून बनाया गया है, उसी तरह एक मानव हित में यह कानून बनाया जाए कि नशे जैसे उत्पादन वाली चीजों को इनका लाइसेंस ही ना दिया जाए और इन्हें
खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इस नशे की महत्ता को वही समझ सकता है जिसने अपने परिवार में किसी को खोया हो। और मैं जानता हूं कि भारत के आधे से ज्यादा लोग इस नशे की दुर्घटनाओं के या तो शिकार हैं या तो आने वाले समय में हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार प्रत्यक्ष रूप से सरकार है, लेकिन सरकार नहीं ये स्वीकारती कि यह हमारे द्वारा किया गया कृत्य है। एक्सीडेंट होगा, केस आपके ऊपर होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर शराब पीने के बाद एक्सीडेंट होता है तो एक एक्सीडेंट का जिम्मेदार एक पार्टी सरकार भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर यह नशे का कारोबार आप वही कर रही है, दूसरा इसका कोई फायदा नहीं ले रहा है। आप देखिए अभी ये गुटके के बारे में हर पाउच पे इतना खतरनाक चित्र बनाया गया है, और इस खतरनाक चित्र को सब बड़ी लापरवाही से लेंगे और ऐसे फाड़ा और खा गए। और इन सब चीजों को करने के बाद, इन सब नशों को करने के बाद आप देखिए आप कैसी हालात होते हैं। इस एक्सीडेंट को आप देख के आभास कर सकते हैं कि नशे से जब ऐसा एक्सीडेंट होता है तो कितनी जिंदगियां जाती हैं। सामने वाला जो जा रहा था, जो नशा नहीं किया, वो भी भुक्तभोगी हो जाता है, और जिसने कर रखा है वो तो भुक्तभोगी हो ही रहा है। तो इस नशे के बारे में उन लोगों को से पूछा जाए कि क्या यह नशा जो सरकार कर रही है, सरकार करवा रही है, क्या यह उचित है। अब ये बात तो वही आती है कि सरकार कर रही है यानी वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। यानी सरकार अगर ये सारी नशे बेचेगी तो वो वैधानिक है, और यही काम अगर आम आदमी करेगा तो वैधानिक नहीं है। यानी सरकार आपका मर्डर कर सकती है, सरकार आपका कत्ल कर सकती है, वो वैधानिक है। इसके विषय में कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो वैधानिक हो गया, क्योंकि वो सरकार है। और लेकिन ये सरकार बनाई किसने, बनाई आपने, और आप ही के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सरकार सुपारी देती है किसको, इन गुटखा बनाने वालों को, और किस कदर शराब माफियाओं को देती है। और यही सब आपके साथ फिर घटनाएं आपके समाज में होने लगती हैं, महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ जो अत्याचार होता है, वो अत्याचार की जिम्मेदार सरकार है। किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार हो तो उस अत्याचार में अपराधी के खिलाफ तो मुकदमा होना चाहिए, लेकिन एक मुकदमा उस सरकार के लिए भी होना चाहिए कि सरकार ने ही उसे पीने के लिए अधिकृत किया था, वरना यह घटना ना होती। यानी न उस नशे की हालत में जो 75% घटनाएं हो रही हैं वो तो ना होती। तो लेकिन इसके लिए हम सरकार को कभी उत्तरदायी नहीं समझते, और सरकार बड़े मजे से ये रुपया लेके दूसरे कामों में डकार लेते हैं, ये बड़े बड़े घोटाले करते हैं ये, लेकिन उन घोटालों में आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती, आपका कोई पैसा नहीं होता। शराब के लाइसेंस देने के लिए, बेचने वालों के लिए, उनसे लॉटरी के सिस्टम में भी पैसा लेके लॉटरी उसी की निकालते हैं जिसकी सरकारी लोग चाहते हैं। तो ये सरकारी लोग कौन हैं, ये सरकार कौन है, और आप कौन हैं, यानी आप क्या समाज में क्या कोई भागीदारी नहीं। आपकी बहन बेटियों की इज्जत इस नशे के जरिए लूट जाया करेगी, आपके शरीर, आपकी विकलांगता, आपके हाथ पैर इस नशे के जरिए क्या टूट जाएंगे, कट जाएंगे, आपके अपने आप से बिछड़ जाएंगे, आपके शारीरिक दोष हो जाएंगे, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो जाएंगी, इसके लिए उत्तरदायी कौन। अगर हमें नशा करने दिया जा रहा है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सरकार की इस पे भी तो प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप शराब पियेंगे उसके लिए सरकार भी योजना बनाए, जो शराब पीता है उसके स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा क्लब बनना चाहिए उसमें उसको उसका जाना अनिवार्य हो, और पीने के बाद घर के बाहर एंट्री ना हो। ऐसे प्राविधान सरकार क्यों नहीं करती, क्योंकि सरकार को माल से मतलब है आपने कितना माल ढीला किया, क्योंकि वहां सरकार का ही मतलब नहीं होता है, वहां मतलब होता है
वहां पे बैठे हुए निकम्मे मंत्री विधायक और बड़े बड़े रईस पैसे वाले, उन्हें किसी की सेहत से, समाज की व्यक्ति की सेहत से कोई मतलब नहीं, समाज की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, उनके पास अटैची में धन आना चाहिए, बोरों में धन आना चाहिए। तो आप अभी देख सकते हैं, एक वीडियो आपके सामने चल रहा है जिसमें लिखा हुआ है नशा मुक्त परिवार सुखी परिवार। अब इस आप देख सकते हैं ये मद्य निषेध विभाग का पोस्टर है। तो मद्य निषेध विभाग कैसे इतने खर्चा करके ये बोर्ड लगवाता है, ये लखनऊ के एक हॉस्पिटल का है जिसके बाहर ये बोर्ड लगा हुआ था, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं लाया कि कैसे ये नशे का व्यवसाय, नशे का व्यापार के बाद भी सरकार कैसे पैसे कमाती है। मद्य निषेध विभाग यानी बड़ा बड़ा लिख दिया कि आप शराब नहीं पिएंगे, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो इन सब पे खर्चा करती है, एक तरफ पिला रही है दूसरी तरफ रोक रही है। तो या तो आबकारी विभाग बंद करें या तो मद्य निषेध विभाग बंद करें, तो लेकिन सरकार दोनों पे पैसा लुटा रही है, आखिर क्यों। अब आप इन सब चीजों को देखने के बाद नशे के प्रति जरा सा भी संजीदा नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ के लखनऊ के सांसद हैं उनके बेटा जिस तरह गया, और हमारे एक जानने वाले हैं उनका भाई गया और परिवार के रिश्तेदार भी गए इसी एक्सीडेंट से, लेकिन उसके बावजूद भी हम कितना जिम्मेदार हुए, हमने सरकार को इतनी लापरवाही और हम पर शोषण करने के लिए अधिकार सरकार को क्यों दे रखे हैं। अगर हमने सरकार को मुखिया बनाया है तो सरकार इस तरह मुखिया बन के अपने ही घर वालों का शोषण करने पे क्यों लगी है। इसके लिए ये सांसद महोदय भी जिम्मेदार हैं, वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका बेटा इसी नशे के कारण चला गया, लेकिन वो इसके प्रति संजीदा नहीं है, वो इसके प्रति ना आवाज उठाते हैं लोकसभा में और ना इसके प्रति कोई बड़ी मुहिम चलाते हैं। तो नशे इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हम हैं। सरकार को जब तक हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, हम अपराधों के शिकार होंगे और दुर्घटनाओं के शिकार होंगे और भयंकर बीमारियों के शिकार होंगे। तो आज मेरा केवल आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी नशा रोकने के लिए एक मुहिम चलाएं कि नशे का प्रोडक्शन ही ना हो। जब नशे का प्रोडक्शन नहीं होगा तो कहीं नशा दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आप सभी अपने अपने सोशल मीडिया पे ये सब बातें लिखिए। ये सरकार से क्या मतलब है, ये नेता लोग तो जहां से पैसा आ रहा होगा इन्हें तो पता है कि इस शराब जैसी मामले में खरबों रुपए डकारे जाते हैं। तो वो खरबों रुपए जब डकार रहे हैं और उनकी जीवन की जो एक आयु है, उनका जो उम्र है वो 70 या 80 साल रख लो, ये चले जाएंगे, लेकिन ये बेहया आने वाले समाज को कितना गंदा करके जा रहे हैं, इसके प्रति हम लोगों को अब अवेयर होना होगा। नहीं तो हम किसी अपने को नशे के रूप भयंकर बीमारियों में खो देंगे, भयंकर एक्सीडेंट में खो देंगे, और या फिर हम उसे जीवन भर अपंग बना देंगे। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमें सरकार के नकेल डालनी होगी, क्योंकि सरकार के बीच बैठे हुए लोग वो बहसी दरिंदे हैं जिन्हें रुपए की इतनी भूख है, उन्हें यह नहीं पता कि आज समाज, हमारा समाज इस नशे की वजह से कितना असहज महसूस कर रहा है। तो साथियों, आप सभी यहां तक जुड़े रहे और आप सभी ने देखा, तो आप सभी भी अवेयर होइए, सरकार के इस अवैध धंधे को, अवैधानिक धंधे को बंद करना होगा और हम लोगों को आवाज उठानी होगी, तभी हम सुरक्षित और संरक्षित समाज में जीवन यापन कर सकेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य सुनहरा तभी हो सकता है। तो आप सभी इसी तरह के जो जानकारी पूर्ण सरकार की लापरवाही या सरकार का मनमानापन या सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से समाज का जो नुकसान हो रहा है, उन चीजों के उन बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए आप सभी चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे ये वीडियो उन
बेहया मंत्रियों, बेहया सीएम, बेहया पीएम तक पहुंचे कि अगर वो शराब बेचना ही चाहते हैं तो मद्य निषेध विभाग बंद कर दे, आपका जो धन बेवजह उधर रोकने के लिए खर्चा कर रहे हैं, इधर पिलाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, ये बंद हो जाए। तो आप सभी साथी से अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।